16 जुलाई 2019 चंद्र ग्रहण 5 राशियों को मिलेगा चंद्रमा का विशेष वरदान। गर्भवती महिलाएं रखें ये सावधानियां। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा मंगलवार को 16 व 17 जुलाई को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह मौका इसलिए खास है क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है और जब भी कोई ग्रहण की स्थिति बनती है तो ऐसे में खास करके गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। वहीं सामान्य लोगों को भी कुछ नियम पालन करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं कि ग्रहण में क्या खास नियम के पालन करना है और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है और राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। तो मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा को हो रहा है इसलिए चंद्रमा का विशेष प्रभाव इस दिन होता है और यह चंद्र ग्रहण 16 जुलाई और 17 जुलाई की मध्य रात्रि 1:31 से प्रारंभ हो जाएगा जो कि सुबह 4:30 तक रहेगा। लगभग 3 घंटे की अवधि इस ग्रहण की रहेगी और इस ग्रहण का जो सूतक है वो दोपहर यानी 16 तारीख को शाम को 4:30 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण के दौरान ही गर्भवती माताओं को बहनों को विशेष नियम पालन करने की आवश्यकता है, अन्य समय में बिल्कुल नहीं। साथ ही आपको ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे ही सूतक लगेगा शाम को 4:30 उसी समय आप अपने घर के मंदिर या देवस्थान के पट बंद कर देंगे यानी वहाँ पर पर्दा लगा देंगे। उसके बाद शाम की दिया बत्ती आरती आपको नहीं करना है और यदि आप चाहें तो भगवान को बिना स्पर्श करे दिया बत्ती या आरती कर सकते हैं, लेकिन भगवान को सूतक काल में या ग्रहण काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप ग्रहण काल में कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, तो वो विशेष फलदायी होगी क्योंकि ग्रहण के दौरान जो भी मंत्र जाप किए जाए वो अनंत गुना फल देने वाले होते हैं और ग्रहण का समय रात्रि 1:31 से लेकर के 4:30 तक सभी को सारे नियम पालन करना चाहिए। यानी ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए और ग्रहण के समय वैसे तो शौचाचार आदि कर्म भी वर्जित माने गए हैं। साथ ही ग्रहण के समय भूमि खोदना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है और यह ग्रहण जो पड़ रहा है उसका राशियों के ऊपर इस प्रकार प्रभाव होगा। ये जो 5 राशियां हैं मेष, सिंह, मिथुन, तुला और मीन, इनको अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। साथ ही इनको अनायास या रुका हुआ पैसा मिल सकता है और कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी इनको प्राप्त होने वाली है जिसके कारण इनको बहुत अधिक फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इन 5 राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे ज़्यादा जो है खुशियां देने वाला साबित होगा। क्योंकि गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी की आवश्यकता इस दौरान रहेगी। एक बात और स्पष्ट कर दें कि ग्रहण का जो सूतक काल है उसमें गर्भवती माताओं को, रोगियों को, वृद्धों को और बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल ग्रहण के समय ही उनको सारे नियम पालन करना चाहिए। इसके अलावा नया मकान, नई दुकान या नया काम यदि आप करने जा रहे हैं तो ग्रहण या सूतक के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह ग्रहण भारत के सभी प्रदेशों में, सभी शहरों में, सभी जगह दिखाई देगा और लगभग इसका समय सभी जगह एक समान ही रहेगा यानी रात्रि 1:31 से सुबह 4:30 तक यह ग्रहण रहेगा। और यदि हम सेवा क्रम की बात करें तो इस ग्रहण को जो मनुष्य आँखों से नहीं देखे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आँखों से ग्रहण देखना नुकसानदायी माना गया है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने का मना किया गया है क्योंकि ऐसा बताया गया है कि ग्रहण के समय कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में
सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर के उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने जल पात्र और भोजन पात्र में कुशा अथवा तुलसी पत्र डालने को कहा है, ताकि सब कीटाणु कुशा में एकत्रित हो जाए और भोजन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, और ग्रहण के बाद कुशा और तुलसी पत्र को बाहर विसर्जित कर देना चाहिए। पात्रों में अग्नि डाल करके उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाए। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए है ताकि स्नान के समय आपके शरीर में जो भी ग्रहण के समय कीटाणु हो या नकारात्मक शक्तियां हो वह सब समाप्त हो जाए। ग्रहण के समय भोजन करना इसलिए माना गया है या भोजन मना इसलिए किया गया है कि उस समय पाचन शक्ति कमजोर होती है, जिसके कारण अपच, अजीर्ण आदि की शिकायत आपके शरीर में हो सकती है, मानसिक हानि भी आपको पहुंच सकती है। इसलिए ग्रहण के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सूतक काल के बारे में यह कहा गया है कि सूतक काल जो होता है वह ग्रहण की पहली अवस्था है, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पहले जो सूतक लगता है उसके पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्यक्रम उस दौरान संचालित नहीं करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान खास तौर से नियम पालन करने की आवश्यकता रहेगी। और वृद्ध, बालक और रोगी, उनके लिए ग्रहण के समय कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी अन्य सभी लोगों को नियम पालन करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने के संदर्भ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। उन्होंने कहा है कि सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, आराधना, साधना कई गुना फल देने वाली रहती है, और यदि गंगा जी के पास में चंद्र ग्रहण है और वहाँ पर यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या गंगा जल के पास भी कर लेते हैं तो भी आपको अक्षय और अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंद नामक नरक में निवास करता है, फिर वह पेट के रोग से पीड़ित होकर के पूरे जीवन काल या जन्म जन्मांतर तक उसको पेट के रोग परेशान करते हैं। ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए, पृथ्वी खोदने से अत्यंत हानि होती है। इसलिए ग्रहण के समय आपने जो भोजन कर लिया तो उसका भी नुकसान होगा। इसलिए गर्भवती माताओं को यदि विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, खुले मैदान में उनको नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा भोजन नहीं करना चाहिए और कहीं पर भी इधर उधर उनको भ्रमण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान हो सके तो घर में रहे और अपने साथ में तुलसी पत्र या कुशा का जो है टुकड़ा या फिर नारियल अपने साथ रख सकते हैं, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, हसिया या अन्य धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपके होने वाले बच्चे के ऊपर बुरा असर हो सकता है। साथ ही ग्रहण के दौरान जो गर्भवती माताएँ हैं वो शयन भी नहीं कर सकती है, सोना भी वर्जित माना गया है। वैसे शौचाचार भी इस दौरान वर्जित माना गया है। यदि आवश्यक हो तो आप आवश्यक परिस्थिति में शौचाचार यानी बाथरूम, लैट्रिन आदि जा सकते हैं, अन्यथा ग्रहण के दौरान ये सारे कर्म वर्जित माने गए हैं। और ग्रहण के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी खाना पीना बिल्कुल वर्जित माना गया है। सभी लोगों को ग्रहण के दौरान खाना पीना वर्जित माना गया है। यदि किसी को बहुत ज्यादा आवश्यक हो और सहन शक्ति उनकी कमजोर हो, शरीर उनका साथ नहीं देता है, ऐसी स्थिति में फल या फलाहारी या दूध से बनी वस्तु का सेवन वो कर सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उनको नहीं होगा। साथ ही ग्रहण के दौरान और सूतक के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, और इधर उधर या शमशान में, एकांत जंगल में या अन्य कहीं पर भी जो है गर्भवती माताओं को जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां विशेष रूप से प्रभावशाली रहती है, और ऐसे में यदि इधर उधर भ्रमण करेंगे तो उनके बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है।
ग्रहण के दौरान मंत्र जाप सिद्धि साधना करना उपयुक्त माना गया है और ग्रहण के समय भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना स्पर्श करे ही मंत्र जाप किए जा सकते हैं, भगवान के भजन कीर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन मूर्ति का या भगवान के चित्र का स्पर्श करना ग्रहण के दौरान वर्जित माना गया है। और ग्रहण समाप्त होने के तत्काल बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई करना चाहिए और अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अच्छी प्रकार से करके उनकी आरती करके उनको भोग लगाना चाहिए और ग्रहण की पूजन पाठ संपन्न होने के बाद दान पुण्य करना चाहिए, यानी गरीबों जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल का दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, फल दान करें या फिर ब्राह्मणों को या मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के बाद जो भी दान करेंगे वह अनंत गुना फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, हमने जो चंद्र ग्रहण के समय आपको आवश्यक सावधानी और जानकारी बताई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो चंद्र ग्रहण से संबंध में तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।